Hello students, today we will discuss about the one more variety of white matter of the brain, and that is known as internal capsule. So when you see the internal capsule, this internal capsule is nothing but it is again a compact bundle of the axons, and these are again myelinated. And these myelinated axons, which are in millions of the numbers, are known as internal capsule. तो जब आप internal capsule पढ़ते हो तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि नाम ऐसा लगता है कि capsule है, मतलब ये किसी की covering है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है. internal capsule क्या है? internal capsule एक तरीके का fiber का groups है. अगर आप फाइबर्स को देखते हो, वाइट मैटर ऑफ ब्रेन की जिस जब हम बात करते हैं, तो हम तीन तरीके के फाइबर्स पढ़ते हैं, कमिश्रल फाइबर्स, प्रोजेक्शन फाइबर एंड एसोसिएशन फाइबर. इंटरनल कैप्सूल किस ग्रुप में आता है? इंटरनल कैप्सूल जो है ये आता है प्रोजेक्शन फाइबर में. देखिए, जब भी आप इंटरनल कैप्सूल पढ़ते हैं या कोई भी वाइट मैटर पढ़ते हैं, हमारे पास दो चीजें हैं. या तो कोई स्ट्रक्चर सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करे या उसके डिफरेंट लोब्स को कनेक्ट करे, तब तो वो कॉर्टिकल एरियाज को कनेक्ट कर रहा है. यानी कोई फाइबर इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर के एक कॉर्टिकल एरिया को दूसरे कॉर्टिकल एरिया से कनेक्ट कर रहा है, या कोई फाइबर एक लोब के कॉर्टिकल एरिया को दूसरे लोब के कॉर्टिकल एरिया से कनेक्ट कर रहा है. तो ये तो वो फाइबर्स हुए जो सेरेब्रम यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स के एरियाज को कनेक्ट कर रहे हैं. तो ये दो तरीके के फाइबर्स हो गए, जो एक ही लोब में है, इंट्रा हेमिस्फेरिक और ये इंटर हेमिस्फेरिक. तो इनको नाम दे दिया कमिश्नल फाइबर्स और इनको क्या नाम दिया? एसोसिएशन फाइबर्स. लेकिन एक वो फाइबर्स है जो इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स को सब कॉर्टिकल एरियाज से कनेक्ट करते हैं. अब सब कॉर्टिकल एरियाज क्या हैं? सब कॉर्टिकल एरियाज का मतलब हो गया ब्रेन स्टेम, सब कॉर्टिकल एरिया का मतलब हो गया बेसल गैंग्लिया, सब कॉर्टिकल एरिया का मतलब हो गया स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन स्टेम के अंदर फिर और दूसरे एरिया हैं, लाइक रेटिकुलर फॉर्मेशन, लाइक रेड न्यूक्लियस. So, ये जितने भी एरिया है ये क्या कहलाते हैं? सब कॉर्टिकल, यानी कॉर्टेक्स के नीचे वाले एरिया, सब कॉर्टिकल. तो जो फाइबर कॉर्टेक्स को, जो फाइबर इस कॉर्टेक्स को इन सब कॉर्टिकल एरिया से कनेक्ट कर रहे हैं, उनको नाम दिया प्रोजेक्शन फाइबर. सो प्रोजेक्शन फाइबर्स क्या हैं? प्रोजेक्शन फाइबर वो फाइबर्स हैं जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को इन सब कॉर्टिकल एरिया से कनेक्ट करते हैं. और जो कॉर्टिकल एरियाज को कनेक्ट करते हैं उसमें दो वैरायटी है, एक ही लोब के अंदर और दोनों के अंदर. अगर एक ही हेमिस्फीयर के दो लोब्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो एसोसिएशन, और दो हेमिस्फीयर के एरियाज को कनेक्ट कर रहे हैं तो कमिश्रल, ठीक है. तो ये जो इंटरनल कैप्सूल है ये प्रोजेक्शन वेराइटी ऑफ व्हाइट मैटर होता है. मतलब साफ हो गया कि ये जो इंटरनल कैप्सूल है इट इज ए एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्शन फाइबर. अब जो अगली चीज आपको यहां समझनी है कि जब हम इंटरनल कैप्सूल पढ़ते हैं तो इंटरनल कैप्सूल के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे इसकी क्या शेप है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, व्हाट इज द शेप. देन वी विल सी व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द इंटरनल कैप्सूल. देन What are the fibers? जो arrangement है fibers का वो किस तरीके से है. ये तीन चीजें हमें basically सबसे important है जो हम आज के इस video में discuss करेंगे. तो पहली चीज, shape कैसा होता है? तो internal capsule जो है ये कुछ इस तरीके का structure है, L shape structure है, ठीक है. कुछ बोलते हैं V shape structure है, कुछ बोलते हैं L shape structure है. L इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी एक आर्म छोटी है, एक आर्म बड़ी है, ठीक है. तो अगर आप हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ ब्रेन चेक करोगे तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ ब्रेन में हमें
एक इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है। ये आपका मिडलाइन है, ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। मिडलाइन में यहां पे आपको जो स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं उसमें जब आप इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके देखोगे तो यहां पे एक स्ट्रक्चर मिलता है, ये स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर यहां मिलता है और यहां पे भी मिलता है। तो इंटरनल कैप्सूल जो है वो फंसा हुआ है कुछ स्ट्रक्चर्स के बीच में। ये जो आगे वाला स्ट्रक्चर है ये कहलाता है कॉर्डेट न्यूक्लियस, कॉर्डेट न्यूक्लियस। ये कॉर्डेट न्यूक्लियस के बाद ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट किसका पार्ट है, ये पार्ट है एंटीरियर लिम्ब, ये पार्ट कहलाया एंटीरियर लिम्ब, ठीक है। और ये जो एरिया है ये कहलाया लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। यहां पे ये जो हिस्सा है जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बिल्कुल साइड में है ये कहलाया पोस्टीरियर लिम्ब, पोस्टीरियर लिम्ब। और पोस्टीरियर लिम्ब के अंदर ये वाला एरिया है ये कहलाया थैलेमस, ये क्या कहलाया, थैलेमस, ठीक है। तो अब व्हाट इज द शेप ऑफ द इंटरनल कैप्सूल, इट इज ए शेप ऑफ एल और वी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसकी जो कॉन्वेक्सिटी है वो अंदर की तरफ है, कॉन्केविटी बाहर की तरफ है, कॉन्केविटी बाहर है, कॉन्वेक्सिटी अंदर है। इसके कितने पार्ट हैं, इसके हम पांच पार्ट्स पढ़ते हैं, कितने, पांच। एक कहलाता है एंटीरियर लिम्ब, एक कहलाता है पोस्टीरियर लिम्ब, और इन दोनों के बीच में जो ये टर्न है, ये टर्न, ये वाला एरिया, ये कहलाता है जेन्यू, ये क्या कहलाता है, जेन्यू। फिर जो पार्ट इस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के पीछे है ये वाला एरिया, दिस इज नोन एज रिट्रो लेंटिफॉर्म, रिट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल। रिट्रो मतलब हो गया पीछे, ठीक है। इसका एक और पार्ट है जो हमें इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि ये 3D है। सपोज वो दीवार की तरफ फेस कर रहा है, जो इसमें नीचे की तरफ है वो हो गया सब लेंटिफॉर्म, ठीक है। वो कौन सा पार्ट हो गया, सब लेंटिफॉर्म। तो जब आप इंटरनल कैप्सूल पढ़ोगे तो उसमें कितने पार्ट पढ़ोगे, 5। कौन कौन से हैं, एंटीरियर लिम्ब, जेन्यू, पोस्टीरियर लिम्ब, रिट्रोलेंटिफॉर्म एंड सब लेंटिफॉर्म। तो यहां तक हमें दो चीजें समझ में आई कि जो इंटरनल कैप्सूल है वो वाइट मैटर का पार्ट है, दूसरा ये प्रोजेक्शन वैरायटी ऑफ फाइबर्स हैं जो कॉर्टेक्स को सब कॉर्टिकल एरियाज के साथ कनेक्ट करते हैं, तीसरा ये एक वी शेप स्ट्रक्चर है जिसके पांच पार्ट होते हैं, एंटीरियर लिम्ब, जेन्यू, पोस्टीरियर लिम्ब, रिट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट एंड सब लेंटिफॉर्म पार्ट, ठीक है। और ये होता कहां है, इसकी लोकेशन क्या है, तो जब हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ ब्रेन देखते हैं तो इट लाइज बिटवीन द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड थैलेमस ऑन द मीडियल साइड एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस ऑन द लैटरल साइड, ठीक है। अब इस इंटरनल कैप्सूल के अंदर एक्चुअली इसका रोल क्या है, इसके अंदर फाइबर्स का अरेंजमेंट कैसा है। देखिए एक आपके पास सपोज ये रूम है हमारे पास, इस कमरे में अंदर आने जाने के लिए यहां पे गेट है, ये गेट है, दरवाजा है। तो अगर आपको इस रूम में अंदर आना है या इस रूम से बाहर जाना है तो आपको इसी गेट का यूज लेना पड़ेगा। इसी तरह से सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सपोज ये रूम की जगह क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो अगर कोई भी फाइबर इस कॉर्टेक्स में अंदर आ रहा है या इस कॉर्टेक्स से बाहर जा रहा है तो उसको इसी जगह से या इसी गेटवे से अंदर या बाहर जाना पड़ेगा। तो जितने भी फाइबर्स हैं वो एक जगह कंडेंस हो गए, वो अलग अलग एरिया से रहे हैं लेकिन वो इस छोटे से गेट से या तो अंदर जा रहे हैं या बाहर आ रहे हैं। तो ये जो गेटवे बना, ये जो गेटवे बना, ये गेटवे क्या कहलाया, इंटरनल कैप्सूल, ठीक है।
तो इंटरनल कैप्सूल बेसिकली क्या है? इंटरनल कैप्सूल जो फाइबर्स ब्रेन में जा रहे हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, और जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से नीचे सब कॉर्टिकल एरियाज में जाएंगे, वो फाइबर्स सारे एक स्पेसिफिक पैटर्न में कंडेंस्ड होके इस पार्ट से गुजरते हैं, और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल कैप्सूल। तो इस इंटरनल कैप्सूल का बड़ा इंपॉर्टेंस हो गया, क्यों? क्योंकि अगर इसका थोड़ा सा भी एरिया डैमेज हो गया, अगर थोड़ा सा एरिया भी डैमेज हो गया, तो लाखों की संख्या में फाइबर्स डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंडेंसली पैक्ड है यहां पे, और ऊपर जाके ऐसे फैल गए। ठीक है, तो भले लीजन छोटा सा हुआ है, लेकिन उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो कारण क्या है? रीजन कि यहां पे कंडेंस्ड फॉर्म में, क्लोज पैक्ड फॉर्म में फाइबर्स अरेंज होते हैं। ठीक है, और इसीलिए इंटरनल कैप्सूल में अगर छोटा लीजन भी होता है, तो उसका जो सिम्टोमेटिक जो इफेक्ट है, उसका जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उस छोटे से एरिया में बहुत सारे फाइबर्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहां याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस इंटरनल कैप्सूल के अंदर फाइबर्स किस तरीके के होते हैं, उनका क्या अरेंजमेंट है। तो जब हम इंटरनल कैप्सूल में फाइबर्स की बात करेंगे, तो इंटरनल कैप्सूल में आपको एफरेंट्स भी मिलते हैं और ईफरेंट्स भी मिलते हैं, यानी वो फाइबर्स जो ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स से सबकॉर्टिकल एरिया में जा रहे हैं, यानी वो मोटर कमांड लेके जा रहे हैं, मोटर कमांड लेके जा रहे हैं, यानी ईफरेंट हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? कॉर्टिकोफ्यूगल। उनका दूसरा नाम क्या हो गया? कॉर्टिकोफ्यूगल। और जो फाइबर्स सेंसेशंस लेके आ रहे हैं, टच, पेन, टेम्परेचर, वो एफरेंट फाइबर्स हैं जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएंगे, इनको बोलेंगे हम कॉर्टिकोपीटल। तो आपके पास दो ग्रुप ऑफ फाइबर्स इसके अंदर मिलेंगे, इस एरिया में क्लोजली पैक्ड फाइबर्स मिलेंगे, वो क्या कहलाएंगे? या तो कॉर्टिकोपीटल या कॉर्टिकोफ्यूगल। फ्यूगल वो वाले फाइबर्स हो गए जो कि आउटपुट फाइबर्स हैं, जो कि मोटर कमांड लेके जा रहे हैं, और पीटल वो फाइबर्स हैं जो सेंसरी नेचर हैं, जो कि इनपुट लेके आ रहे हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। ठीक है, तो अब हम इन फाइबर्स को देखेंगे कि इन फाइबर्स के क्या क्या नाम हैं और ये कैसे अरेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोटर फाइबर्स। मोटर फाइबर्स यानी जो फाइबर्स आउटपुट हैं, जो ईफरेंट हैं। तो ये जो ईफरेंट फाइबर्स हैं, ये ईफरेंट फाइबर्स आप तीन ग्रुप में बांटोगे जो कि इंटरनल कैप्सूल में हम देखेंगे। एक तो वो फाइबर्स जो कॉर्टेक्स से निकल के पोन्स में जा रहे हैं, कॉर्टिकोपोन्टाइन, कॉर्टिकोपोन्टाइन। दूसरे वो फाइबर्स जो कॉर्टेक्स से निकल के कहां जा रहे हैं? ब्रेन स्टेम में, ये कहलाएंगे कॉर्टिकोन्यूक्लियर। तीसरे फाइबर्स जो कॉर्टेक्स से निकल के स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, कॉर्टिकोस्पाइनल। और एक और चौथा ग्रुप है जो फाइबर्स कॉर्टेक्स से निकल के डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉर्टिकल एरियाज में जाएंगे, एक्स्ट्रा पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल। तो देखो, कॉर्टेक्स से चार तरीके के फाइबर्स निकले। एक तो वो फाइबर्स जो कॉर्टेक्स से निकल के पोन्स के न्यूक्लियाई में गए, ये दोनों, ये क्या कहलाते हैं? पिरामिडल, दे आर नोन एज पिरामिडल। अब पिरामिडल के अंदर कॉर्टिको न्यूक्लियर एंड कॉर्टिको स्पाइनल। ठीक है, बेसिकली कॉर्टिको स्पाइनल की हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर हैं, ये पिरामिडल ट्रैक्ट बनाते हैं। और एक हो गया एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम के फाइबर। एक्स्ट्रा पिरामिडल का मतलब जो फाइबर्स इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स से निकल के कहां कहां जाएंगे, या तो रेड न्यूक्लियस में जा रहे हैं, या सबस्टेंशिया निग्रा में जा रहे हैं, या आपके बेसल गैंग्लिया में जा रहे हैं। ठीक है, ये जो फाइबर्स हैं, ये क्या कहलाए? एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ईफ्रेंड कौन कौन से हैं। तो ये तीन ग्रुप हमारे पास ईफ्रेंड्स के हैं। अब इन ईफ्रेंड्स का अरेंजमेंट क्या होता है, वो अरेंजमेंट अगर हम देखें इस यहां पे, तो वो कैसे होता है? देखिए, इसको अगर आप सबसे पहले
यहां पे अगर अरेंजमेंट देखेंगे तो हमारे पास कॉर्टिकोपोन्टाइन जो फाइबर्स होते हैं वो कॉर्टिकोपोन्टाइन फाइबर्स इस पूरे इंटरनल कैप्सूल में होते हैं, पूरा इंटरनल कैप्सूल ऑक्यूपाई होता है कॉर्टिकोपोन्टाइन से। और जो ये कॉर्टिकोपोन्टाइन फाइबर्स हैं, ये कॉर्टिकोपोन्टाइन फाइबर्स चारों लोब से आ रहे हैं, यानी फ्रंटोपोन्टाइन, पेराइटोपोन्टाइन, ऑक्सीपिटोपोन्टाइन एंड टेम्पोरोपोन्टाइन। ठीक है, अब यहां पे एक चीज जो आप दिमाग में रख लो कि जो टेम्पोरल फाइबर्स हैं, ठीक है, ज्यादातर टेम्पोरल फाइबर्स कौन से वाले पार्ट में मिलेंगे? सब लेंटिफॉर्म पार्ट में। जितने भी हम फाइबर्स पढ़ते हैं जो टेम्पोरल लोब से आ रहे हैं जा रहे हैं, वो 90% सब लेंटिफॉर्म में मिलेंगे। देखिए, टेम्पोरल लोब भी क्या है? नीचे वाला लोब है टेम्पोरल लोब। अगर हम ब्रेन का सेक्शन बनाते हैं तो ये टेम्पोरल लोब है आपका, ये टेम्पोरल लोब है, ठीक है। और यहां पे सपोज ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये यहां पे इंटरनल कैप्सूल का, और सब लेंटिफॉर्म का नीचे लटका हुआ है, यानी यहां नीचे लटका हुआ है, ठीक है। तो जितने भी फाइबर्स हैं वो इस नीचे वाले पार्ट से इस नीचे वाले पार्ट में चले जाते हैं। तो टेम्पोरल फाइबर्स किस में जाते हैं? ज्यादातर सब लेंटिफॉर्म पार्ट में, चाहे वो एफरेंट हो चाहे वो ईफरेंट हो। तो ये जो टेम्पोरोपोन्टाइन है ये सब लेंटिफॉर्म पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। फ्रंटोपोन्टाइन फाइबर्स सबसे ज्यादा होते हैं और ये मेजर पोर्शन ऑफ एंटीरियर लिम, पार्ट ऑफ जेन्यू वगैरह को इसको ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। ये एंटीरियर लिम और जेन्यू को ऑक्यूपाई करते हैं। ये दोनों फाइबर्स पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर लिम एंड रिट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। तो एक चीज तो हमने ये याद रखी, अरेंजमेंट ऑफ कॉर्टिकोपोन्टाइन फाइबर्स। उसमें ये चीज याद रख लो कि टेम्पोरल लोब के इनपुट एंड आउटपुट फाइबर्स 90% हमें किस एरिया में मिलेंगे? सब लेंटिफॉर्म एरिया में मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला कॉर्टिकोपोन्टाइन। दूसरे जो फाइबर्स हैं, वो जो दूसरे फाइबर्स हैं उनका क्या नाम है? कॉर्टिको बल्बार एंड कॉर्टिको स्पाइनल, ठीक है। अब जो कॉर्टिको बल्बार हैं, कॉर्टिको बल्बार फाइबर्स का मतलब क्या हुआ? बल्ब का मतलब होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, बल्ब का मतलब क्या होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो कॉर्टिको बल्बार फाइबर्स उन जगह पे जाते हैं जहां पे मोटर न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व है, मोटर न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व है। मोटर न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, फॉर एग्जाम्पल मोटर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व, मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व, मोटर न्यूक्लियस ऑफ ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। तो वो जो मोटर न्यूक्लियस हैं उनके ऊपर जाके ये इफेक्ट डालते हैं कॉर्टिको बल्बार फाइबर्स, जहां पे हमारा कंट्रोल होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, ठीक है। लेकिन ये अपोजिट साइड में जाते हैं, अपोजिट साइड ऑफ क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो कॉर्टिको बल्बार फाइबर्स हैं ये इस इंटरनल कैप्सूल का कौन सा एरिया ऑक्यूपाई करते हैं? जेन्यू। ये किसको ऑक्यूपाई करते हैं? जेन्यू को, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यानी अगर इस जेन्यू वाले पोर्शन में कोई भी लीजन होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आपकी जो मोटर क्रेनियल नर्व्स हैं उनके फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो ये एक चीज है जो आपको इस कॉर्टिको बल्बार के फॉर्म में याद रखनी है। दूसरे जो ग्रुप है दैट इज कॉर्टिको स्पाइनल। अब कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स जो हैं ये रिले तो स्पाइनल कॉर्ड में होंगे, लोअर मोटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करेंगे, लेकिन ये जब नीचे जाएंगे तो ये जो कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स हैं ये जेन्यू और एंटीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर लिम को ऑक्यूपाई करते हैं। ये जेन्यू को और यहां पे पोस्टीरियर लिम को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। और इनका अरेंजमेंट क्या होता है? ये फाइबर्स वो हैं जो अपर लिम के लिए, ये फाइबर्स जो ट्रंक की मसल्स को रिफ्लेक्ट करेंगे, और ये लोअर लिम। ये फाइबर्स क्या है? कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर, या इसको आप बोलोगे पिरामिडल ट्रैक्ट के फाइबर, पिरामिडल ट्रैक्ट के फाइबर, ठीक है। तो ये जो फाइबर्स हैं कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स, ये अपोजिट साइड की एंटीरियर हॉर्न सेल्स या लोअर मोटर न्यूरॉन सेल्स जिनको हम बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में जाके वहां इफेक्ट डालेंगे और
इनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है कि ये पोस्टीरियर लिम का जो अपर पार्ट है, ठीक है, लोअर पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट, उसमें ऑक्यूपाई होते हैं, और इनका ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसमें ये इंटरनल कैप्सूल में अरेंज रहते हैं। उसके बाद जो तीसरा ग्रुप है वो है एक्स्ट्रा पिरामिडल का। एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स, एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स में क्या क्या है? एक्स्ट्रा पिरामिडल में हमारे पास वो फाइबर्स हैं जो कॉर्टेक्स से रेड न्यूक्लियस में जा रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे कॉर्टिकोरुब्रल। दूसरे वो फाइबर्स हैं जो कॉर्टेक्स से निकल के स्ट्राइटम, स्ट्राइटम मतलब नियो स्ट्राइटम, कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड पुटामन जा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम कॉर्टिको स्ट्राइट फाइबर। वो फाइबर्स जो कॉर्टेक्स से निकल के रेटिकुलर फॉर्मेशन में जा रहे हैं, कॉर्टिको रेटिकुलर फाइबर्स। वो फाइबर्स जो कॉर्टेक्स से निकल के सब्सटेंशिया नाइग्रा में जा रहे हैं, कॉर्टिको नाइग्रल फाइबर्स। तो ये सारे फाइबर्स क्या कहलाए? एक्स्ट्रा पिरामिडल। यानी ये मोटर एक्टिविटी को तो इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। इसलिए इनका नाम क्या दिया? एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स। ये एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स मेजोरिटी इस पोस्टीरियर पार्ट में बिखरे हुए होते हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स का मेजर आपको जो एरिया है वो कौन सा होता है? कॉर्टिको रूब्रल, कॉर्टिको स्ट्राइड, कॉर्टिको रेटिकुलर। तो जो ये है ये कहां मिलेंगे आपको? पोस्टीरियर लिम में, ठीक है। सो पोस्टीरियर लिम में मेजोरिटी फाइबर्स एक्स्ट्रा पिरामिडल के होते हैं अलॉन्ग विद दीज एरियाज, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके ईफ्रंट और मोटर फाइबर्स। नाउ हम बात करेंगे एफ्रंट फाइबर्स की। तो जब हम एफ्रंट फाइबर्स की बात करते हैं तो एफ्रंट फाइबर्स क्या कहलाए? कॉर्टिको पीटल, ठीक है। सो ये जो एफ्रंट्स हैं, ये एफ्रंट्स क्या हैं? सेंसरी नेचर के, ठीक है। अब ये जो फाइबर्स हैं ये जब ऊपर जाएंगे तो ये फाइबर्स भी इस गेटवे में से ब्रेन में एंटर होते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि इंटरनल कैप्सूल किसका काम करता है? गेटवे का। तो ये जो फाइबर्स हैं ये जब, हमें पता है कि फाइबर्स कभी भी डायरेक्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे नहीं जाते हैं। सारे फाइबर्स जाके कहां रिले होते हैं? थैलेमस में। और इस थैलेमस से फिर फाइबर्स निकल के इंटरनल कैप्सूल के थ्रू कहां जाएंगे? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। तो इनको क्या बोलेंगे हम? थैलेमिक रेडिएशन। ये क्या कहलाएंगे? थैलेमिक रेडिएशन। व्हाट इज थैलेमिक रेडिएशन? थैलेमिक रेडिएशन मतलब सेंसरी फाइबर्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स which are arising from the thalamic nuclei and going to the cerebral cortex. और ये जो thalamic radiation है ये क्या है? third order neurons. ये क्या है? third order neurons, ठीक है। तो ये एक important चीज है जो आपको यहां याद रखनी है। अब ये जो thalamic radiation के fibers हैं ये पूरे internal capsule में फैले हुए हैं, ठीक है। तो इनको कैसे पढ़ेंगे हम? तो इनको हम चार पार्ट में पढ़ेंगे। जिस तरह से मैं लिख रहा हूं सीक्वेंस में उसको आप ध्यान से देखना, 1, 2, 3, 4। ये इजी है याद रखने में कि थैलेमिक रेडिएशन को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर, ठीक है। तो लिखा कैसे वो ध्यान रखना, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर। अब ये जो फाइबर्स हैं एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन, ये कहां से जाते हैं? एंटीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन के फाइबर्स एंटीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल से जाते हैं। सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन ये जेन्यू और पोस्टीरियर लिम्ब से जाते हैं, जेन्यू एंड पोस्टीरियर लिम्ब। पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन रिट्रोलेंटिफॉर्म, ये जाते हैं रिट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल। और इंफीरियर, इंफीरियर कहां से जाएंगे? इंफीरियर का मतलब बिलो, और बिलो क्या होता है? सब लेंटिफॉर्म पार्ट। बिलो क्या होता है? सब लेंटिफॉर्म पार्ट। तो याद रखना बड़ा इजी है कि यहां पे हमने सीक्वेंस देखा, एंटीरियर लिम्ब, जेन्यू, पोस्टीरियर लिम्ब, रिट्रोलेंटिफॉर्म, सब लेंटिफॉर्म, ठीक है। तो इसको हमने यहां सीक्वेंस में लिखा, लेकिन यहां पे लिखने का नाम ना याद कैसे रखना है? तो एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर एंड इंफीरियर अल्टरनेट लिख देना है, एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर एंड इंफीरियर, और यहां सीक्वेंस में नाम लिख दिए। तो ये आपको याद रखने में इजी रहेगा कि थैलेमिक रेडिएशन के फाइबर्स
कहां और कैसे जाते हैं, ठीक है। अब ये जो फाइबर्स हैं जो रिट्रोलैंटिफॉर्म से जाते हैं, ये वाले एरिया से, ये फाइबर्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं ऑप्टिक रेडिएशन। ऑप्टिक रेडिएशन यानी ये जो ऑप्टिक रेडिएशन के फाइबर्स हैं ये कहां से आते हैं, थैलेमस के कौन से पार्ट से आते हैं, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से। और ये फाइबर्स इस रिट्रोलैंटिफॉर्म से होते हुए कॉर्टेक्स के कौन से एरिया में जाएंगे, जहां पे विजुअल कॉर्टेक्स होता है यानी ऑक्सीपिटल लोब में जाएंगे। इंफीरियर फाइबर्स जो होते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इंफीरियर फाइबर्स जो कि सब लैंटिफॉर्म में से जा रहे हैं, ये किस किसके कनेक्शन है, टेम्पोरल लोब के। और टेम्पोरल लोब में कौन सा एरिया होता है, ऑडिटरी एरिया। तो ये फाइबर्स कहां जाएंगे, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। और प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स के अंदर ये जो फाइबर्स हैं कहां से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से, ठीक है। तो ये आपको दो चीजें यहां एड ऑन करनी है कि जो सब लेंटिफॉर्म पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, वो टेम्पोरल लोब के साथ कनेक्टेड, टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है, और रिट्रो लेंटिफॉर्म वाला पार्ट पीछे पीछे होता है, और इसमें से फाइबर्स सबसे पीछे पोस्टीरियर एंड में जाते हैं, जहां पे हमारा विजुअल कॉर्टेक्स होता है, इसलिए उसको ऑप्टिक रेडिएशन कहते हैं। तो ये आपके है ना सेंसरी यानी जो थैलेमिक रेडिएशन है उसका अरेंजमेंट है। अब इसमें एक और आपके पास टर्म है जो आप पढ़ते हो, वो है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा क्या होता है, कोरोना रेडिएटा कुछ भी नहीं है, बट जैसे ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है, यहां पे सपोज इंटरनल कैप्सूल है, तो जो फाइबर्स सेंसरी इसमें से निकले वो इस तरीके से फैल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये तो क्या है, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स है, ठीक है, लेकिन ये ऊपर जाके इस तरीके से फैल गए, और फैलने के बाद सेरेब्रल कॉर्टेक्स के डिफरेंट एरियाज में गए, तो वो पैटर्न, ठीक है, वो क्या कहलाया, कोरोना रेडिएटा। कोरोना का मतलब होता है क्राउन, सो क्राउन लाइक अपीयरेंस देता है ये, इसलिए इसको हम बोले, इसको नाम हमने दिया कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो अगर आप इसको नीचे देखोगे तो ये नीचे से फाइबर कहां से आए, ये ऊपर चढ़ रहे हैं ब्रेन स्टेम में से, ब्रेन स्टेम से इंटरनल कैप्सूल, इंटरनल कैप्सूल से कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा से फिर अल्टीमेटली दे विल रीच टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। और इन दोनों के बीच में, ब्रेन स्टेम और इंटरनल कैप्सूल के बीच में थैलेमस में रिले हुए, और थैलेमस से फिर इंटरनल कैप्सूल में पहुंचे, ठीक है। तो ये जो आपका सेंसरी फाइबर्स हैं, ये सेंसरी फाइबर्स क्या कहलाते हैं, थैलेमिक रेडिएशन, ठीक है। सो ये आपके फाइबर्स की बात हो गई। तो हमने यहां पे ये तीन चीजें पढ़ी, शेप, पार्ट्स ऑफ द इंटरनल कैप्सूल एंड द फाइबर्स ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। इन द नेक्स्ट वीडियो इन दिस कंटिन्यूटी विल डिस्कस अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द इंटरनल कैप्सूल एंड इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। थैंक यू। Thank you.